अगर आप कमरे में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो आप गलत कमरे में हैं। हमारे पास दो जिंदगियां होती हैं, और दूसरी तब शुरू होती है जब हमें एहसास होता है कि हमारे पास केवल एक ही है। अगर लोग आपकी पीठ पीछे थूकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनसे आगे हैं। बदले की यात्रा पर निकलने से पहले दो कब्रें खोदें। अगर तुम गलती करते हो और उसे ठीक नहीं करते, तो उसे ही गलती कहते हैं। हार में 1000 सबक होते हैं, लेकिन जीत में केवल एक। जब गुस्सा बढ़े, तो उसके परिणामों के बारे में सोचें। सबसे मजाकिया लोग अक्सर सबसे उदास होते हैं। जो पहाड़ को हिला सकता है, वह छोटे छोटे पत्थर उठाकर शुरुआत करता है। हम दूसरों को यह दिखाने में अधिक मेहनत करते हैं कि हम खुश हैं, बजाय इसके कि हम सच में खुश रहें। एक स्वस्थ व्यक्ति 1000 चीजें चाहता है, पर एक बीमार व्यक्ति केवल एक ही। प्राचीन समय में लोग ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते थे। वे इसे शर्मनाक समझते थे कि वे अपनी बात पर खरे न उतरे। जिसे हर सवाल का जवाब पता है, उससे सारे सवाल नहीं पूछे गए। रत्न बिना घर्षण के नहीं चमकता, और मनुष्य बिना परीक्षाओं के नहीं निखरता। हम सलाह बूंदों में स्वीकार करते हैं, लेकिन बाल्टियों में बांटते हैं। अगर जो कहना है वह चुप रहने से बेहतर नहीं है, तो चुप रहना ही बेहतर। जो तुम अपने लिए नहीं चाहते, वो दूसरों के लिए मत करो। अगर भविष्य बनाना है, तो अतीत का अध्ययन करो। खुशी है जब आपको समझा जाता है, महान खुशी है जब आपको प्यार किया जाता है, और सच्ची खुशी है जब आप प्यार करते हैं। कई बार हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन मुख्य बात को नजरअंदाज कर देते हैं। बुरी आदतों को केवल आज ही छोड़ सकते हो, कल नहीं। ऐसा काम चुनें जिसे आप प्यार करते हैं, और आपको जीवन में एक भी दिन काम नहीं करना पड़ेगा। जीवन वास्तव में सरल है, लेकिन हम इसे जटिल बनाने पर जोर देते हैं। आने वाले कल के बारे में सोचें। अतीत को ठीक नहीं किया जा सकता। एक आदमी को एक कटोरी चावल दो, उसे एक दिन का भोजन मिलेगा। उसे खुद चावल उगाना सिखाओ, और उसकी जिंदगी संवर जाएगी। चाहे आप कितनी धीमी गति से चलें, बस रुके नहीं। तीन चीजें कभी वापस नहीं आती, समय, शब्द और अवसर। इसलिए समय बर्बाद न करें, शब्द सोच समझ कर बोलें, और अवसर न चूकें। एक महान व्यक्ति खुद को दोष देता है, एक तुच्छ व्यक्ति दूसरों को। अंधेरे को कोसने से बेहतर है एक छोटा सा दीप जलाना। मुझे बताओ तो मैं भूल जाऊंगा, मुझे दिखाओ तो मुझे याद रह सकता है, मुझे शामिल करो तो मैं समझ जाऊंगा। अपने विचारों को साफ करने पर काम करें। अगर बुरे विचार नहीं होंगे, तो बुरे कर्म भी नहीं होंगे। जो आदमी कहता है कि वह कर सकता है, और जो कहता है कि वह नहीं कर सकता, दोनों सही हैं। दूसरों में बुराई देखने से पहले अपने भीतर की बुराई पर हमला करो। किसी अप्रिय बात पर शिकायत करना बुराई को दोगुना करना है।
उस पर हंसना उसे नष्ट करना है। हम तीन तरीकों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पहले विचार से, जो सबसे अच्छा है। दूसरा अनुकरण से, जो सबसे आसान है। और तीसरा अनुभव से, जो सबसे कड़वा है। व्यक्ति चापलूसी करता है वह आपका दुश्मन है, जो आपकी गलतियां बताता है वह आपका सच्चा दोस्त है। जो सही है उसे जानकर भी न करना सबसे बड़ी कायरता है। रास्ते यात्रा के लिए बने हैं, मंजिल के लिए नहीं। आपका जीवन वही है जो आपके विचार उसे बनाते हैं। चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, पढ़ने के लिए समय निकालें, नहीं तो आप अपनी चुनी हुई अज्ञानता में डूब जाएंगे। मैं नहीं समझता कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे रह सकते हैं जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। अगर गाड़ी का पहिया नहीं है तो आप उसे कैसे चला सकते हैं? खुद का सम्मान करो और दूसरे भी आपका सम्मान करेंगे। जब आपके दरवाजे के सामने गंदगी है तो पड़ोसी की छत पर पड़ी बर्फ की शिकायत मत करो। अगर आप नफरत करते हैं तो आप हार चुके हैं। अपने दोस्तों पर अविश्वास करना उनसे धोखा खाने से ज्यादा शर्मनाक है। चोटों को भूलो पर दयालुता को कभी मत भूलो। हर चीज में सुंदरता है लेकिन हर कोई इसे देख नहीं पाता। जो व्यक्ति दो खरगोशों का पीछा करता है वह एक भी नहीं पकड़ता। किताब खोलोगे तो कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। नफरत करना आसान है और प्यार करना कठिन, यही पूरी योजना का सार है। अच्छी चीजें पाना कठिन है और बुरी चीजें पाना आसान। बिना सोच के सीखना मेहनत बेकार है और बिना सीखे सोचना खतरनाक है। ऐसे सीखो मानो तुम्हें ज्ञान की कमी है और उसे खो देने का डर है। ऐसे सीखो जैसे तुम्हारा लक्ष्य अब तक नहीं मिला और उसे खोने का डर है। जो तुम्हें अपमानित करता है वह तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा ले लेता है और अपनी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें दे देता है। अगर कोई तुम्हें बहुत ज्यादा अपमानित करना चाहता है तो इससे भी बुरा उस व्यक्ति के लिए होता है। हमारी सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं है बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। चिंता मत करो कि लोग आपको जानते हैं या नहीं, ऐसे बनो कि लोग आपको जानने की चाह रखें। श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी वाणी में विनम्र होता है लेकिन अपने कार्यों में आगे निकल जाता है। यदि हम जीवन को नहीं जानते तो हम मृत्यु को कैसे जान सकते हैं? सवाल पूछने वाला एक मिनट के लिए मूर्ख होता है, सवाल न पूछने वाला जीवन भर मूर्ख रहता है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो से क्या सीखे हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद आपका।